90 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक ऐसा विलन आया जिसे देख हीरो भी खौफ खा जाता था। उसकी शक्ल देखकर ही लोग डर जाया करते थे। कभी वो कर्नल चिकारा बनकर दहशत फैलाता था तो कभी अन्ना बनकर मारकाट मचाता था। हम बात कर रहे हैं उस फिल्म स्टार की जिसने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से एक अलग ही पहचान बनाई। अभिनेता रामी रेड्डी ही वह अभिनेता थे जो उस दौर में हीरो पर भी भारी पड़ जाते थे। रामी रेड्डी का पूरा नाम गंगासानी रामी रेड्डी था। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिले में स्थित एक गांव में हुआ था। रामी रेड्डी ने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की और वहां से पत्रकारिता की डिग्री भी ली। फिल्मों में आने से पहले वह एक पत्रकार ही थे। रामी रेड्डी ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी, लेकिन जब बॉलीवुड से ऑफर मिला तो वह खुद को रोक नहीं पाए और यहां अपने कदम जमाने आ गए। हिंदी फिल्मों में उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार भी निभाए। उन्होंने करीब 250 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। साल 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध में उन्होंने अन्ना नाम के विलन का किरदार निभाया। इस किरदार में रामी रेड्डी ने ऐसी जान फूकी कि यह हमेशा से एक यादगार किरदार बन गया। रामी रेड्डी का खौफ ऐसा हो गया था कि जब भी वो फिल्म पर्दे पर आती तो लोगों के अंदर दहशत फैल जाती थी। हर फिल्म में उनका किरदार और लुक इतना भयानक और क्रूर होता था कि लोग देखते ही खौफ खा जाते थे। रामी की जिंदगी में सबसे भयानक मोड़ तब आया जब एक गंभीर बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें लीवर में दिक्कत हो गई जिसकी वजह से वे अक्सर बीमार लगने लगे। सालों बाद जब रामी एक इवेंट के दौरान सभी के सामने आए तो हर कोई उन्हें देखकर चौंक गया। रामी काफी कमजोर और दुबले पतले हो गए थे। लीवर और किडनी की समस्या के चलते 14 अप्रैल साल 2001 में उनका निधन भी हो गया। नेक्स्ट 9 लाइव से आकाश की रिपोर्ट।